हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट टेक्निकल नॉलेज बढ़ा दिस स्वप्निल। तो एक्सेल के फंक्शन सीरीज़ में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आज सम फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक टेबल डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी, प्रोडक्ट्स, क्वान्टिटी है उसकी, प्राइस है और टोटल है। तो इसमें मैं सम फंक्शन यूज़ करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सम फंक्शन हम कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली सम फंक्शन क्या रहता है, किसी भी मोर देन टू और थ्री नंबर्स, दो या तीन नंबर की अगर एडिशन करनी हो तो हम सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इन एक्सेल में। तो यही पे हम एक्सेल फंक्शन में तो यही हम एक्सेल शीट में सम फंक्शन में आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। एक बेसिकली सिंपल फंक्शन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इज इक्वल टू सम फंक्शन टाइप करना है। उसके बाद आपको टैप प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली जो फंक्शन है वो अपेयर हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो नंबर है जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टोटल सीरीज सिलेक्ट कर दी और उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद सीधी जो भी वो टोटल वैल्यू रहेगी वो आपको अपेयर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है अभी। और एक तरीका है जिसके ज़रिए आप ये सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, तो उसके लिए शॉर्टकट है एक ही बार आपको, यानी कि एक साथ अल्ट प्लस, जो प्लस और इक्वल टू की बटन कह सकते हैं, बैक स्पेस के साइड में रहती है, उसको आपको प्रेस करना पड़ता है एट अ टाइम। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जो टोटल है, फिर से एक बार मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, इससे आपको भी आसानी हो जाएगी समझने में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, अब क्या करूँगा मैं, सिर्फ अल्ट प्लस जो प्लस की बटन रहती है या इक्वल टू बटन रहती है वो प्रेस करूँगा तो डायरेक्टली ये सीरीज सिलेक्ट भी हो जाएगी, जितने भी आपकी वैल्यूज है वो सिलेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सिर्फ आपको अभी एंटर करना पड़ता है। तो एंटर किया तो डायरेक्टली वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।